हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सारिका वर्ल्ड। आज हम बनाने वाले हैं चिकन, लेकिन वो भी बनाएंगे हम बिल्कुल देसी स्टाइल में, जो बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में और आपको बहुत ही अलग टेस्ट भी देगा। तो चलिए बनाते हैं देसी स्टाइल चिकन। तो देसी स्टाइल चिकन बनाने के लिए हम लेंगे 1 किलो चिकन। इसको हमने अच्छे से धो लिया है और अब इसको करते हैं फ्राई। तो इसको फ्राई करने के लिए हम रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल को हमें अच्छे से गर्म करना है जिससे कि उसकी पूरी स्मेल निकल जाए। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन पीसेस। तो बस चिकन के पीसेस को हमें दोनों साइड से फ्राई करना है, लेकिन हमें इनको ज्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बस सभी पीसेस को प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के चिकन पीसेस को भी फ्राई करेंगे। बस 1-2 मिनट के लिए इन्हें फ्राई करना है और फिर इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो बस ये भी फ्राई हो गए हैं और इन सभी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो ये कढ़ाई में ऑयल बचा है, इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे 2 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 4-5 डालेंगे लौंग और 4 डालेंगे छोटी इलायची। और इनको लगभग आधा मिनट या फिर 1 मिनट के लिए भूनेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। तो इसको डाल के थोड़ा सा इसको ब्राउन कलर आने तक भूनिए। बस कुछ सेकंड्स लगेंगे इसको ब्राउन होने में। इसके बाद हम डालेंगे स्लाइस क्यूब अनियन। तो यहाँ मैंने ली है 4 मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। और प्याज को हमें भूनना है जब तक कि इसमें ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो प्याज जिससे कि सॉफ्ट हो जाए, तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। लगभग 1-2 मिनट हम इसको ढक के पका लेते हैं और इसको बीच बीच में चलाते रहिए। और ये देखिए, जब ये 2-3 मिनट भुन जाएगी, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको फिर से 1-2 मिनट के लिए भूनिए। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। और 1 चम्मच डालेंगे रेड चिली पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी और 3 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर। और यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। इसे मिक्स करने के बाद हम डालेंगे यहाँ पर ग्रेटेड टमाटर हैं ये, तो मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज के टमाटर, जिसका मैंने छिलका हटा के और ग्रेट किया है। आप चाहें तो यहाँ पर टोमेटो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और इसको फिर से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देंगे और लगभग 5 मिनट तक के लिए इसको पकाएंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट बाद ये मसाला काफी अच्छे से भुन जाएगा और आपको किनारों पर ऑयल भी दिख रहा होगा। तो ये काफी अच्छे से भुन गया है मसाला, काफी अच्छा कलर भी आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ चिकन। तो यहाँ पर हम पूरा चिकन इसमें डाल देंगे और पूरा चिकन डालने के बाद इसको फिर से मिक्स करना है और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से ढक के पकाएंगे लगभग 5 मिनट के लिए, जिससे कि जो हमने इसमें मसाले डाले हैं उसका फ्लेवर काफी अच्छे से चिकन में आ जाए। बस इसे ढक दीजिए और ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो इसको फिर से हम मिक्स कर लेते हैं। काफी अच्छा इसमें कलर आपको दिख रहा होगा। तो अब हम डालते हैं दही। तो यहाँ पे हम डालेंगे 3 बड़ी चम्मच दही। दही ज्यादा खट्टी यूज ना करें। तो बस ये दही डाल दीजिए और इसे फिर से मिक्स करिए। और इसे मिक्स करने के बाद
हम इसे फिर से ढक के पकाएंगे लगभग 10 मिनट के लिए। आप भी इसी तरह से इसको पकाएं। इससे मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। चिकन काफी अच्छे से सारे मसालों के जो फ्लेवर हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी हमने इसमें बिल्कुल पानी भी नहीं डाला है, तो ये सिर्फ मसालों के अंदर ही काफी अच्छे से पक रहा है। तो बीच बीच में इसको चेक करते रहिए। और 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब इसमें हम डाल देंगे 4 हरी मिर्च कटी हुई। और आधा चम्मच गरम मसाला। और इसे फिर से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप और ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसे किस तरह से बनाना चाहते हैं। और मसाले भी आप थोड़ा कम या ज्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बस इस चिकन को अब मैं फिर से ढक देती हूँ और मैं इसे पकाऊंगी लगभग 20 से 25 मिनट, या जब तक ये चिकन अच्छे से गल नहीं जाता है तब तक मैं इसे पकाऊंगी। और इसे हम पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो ये काफी अच्छे से पकेगा, धीरे धीरे काफी अच्छे फ्लेवर्स इसमें आएंगे। 20 से 25 मिनट हो गए इसे पकते हुए। इसमें डाल देते हैं कटा हुआ धनिया और इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। और आप देखेंगे कि काफी अच्छा कलर आ गया इसमें। ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब गैस की फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और इसे करते हैं सर्व। तो ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है चिकन। आप भी इस तरह से चिकन जरूर बनाएं। और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। तो देखिए ये हमारा देसी स्टाइल चिकन बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। और आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अलग यूनिक टेस्ट मिलेगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।